6000 का सामान लाए थे, अभी तो बिका ही नहीं। 5 दिन हो गए आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्या। दोस्तों आज 14 अगस्त है और आज के दिन मेरे बड़े भाई का जन्मदिन होता था। बड़ा भाई दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका जन्मदिन हर साल मैं अच्छे ढंग से मनाता हूं, कुछ अलग तरीके से मनाता हूं। बड़े भाई का नाम हिमांशु आर्या था और अब से 5 साल पहले भाई एक्सपायर हो गए थे, फिर से बड़े थे 5 साल। तो उनकी जन्मदिवस पे मैं हर साल कुछ अलग करता हूँ और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ अलग करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और कुछ 50 से 60 लोगों के चेहरे पे खुशी लाने वाला हूँ मैं आज के दिन। कुछ अलग करने जा रहा हूँ, बहुत अलग करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कोई बुज़ुर्ग इंसान मेरे को मिले, उसकी बहुत अच्छे तरीके से अलग ढंग से मदद करूँ। और ऐसी वीडियो शायद आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। बड़े भाई को, बड़े भाई के लिए दुआ करना, जहाँ भी रहे खुश रहे। और आज से पहले मैंने आपको नहीं बताया था अपने भाई के बारे में, आज बता देता हूँ। भाई का नाम हिमांशु आर्य था। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वो कहीं से भाई अचानक से छोड़ के चला गया और तब से लेकर अब तक पूरी कोशिश में हूँ इतना बड़ा नाम करने की कि अपना नाम और अपनी आवाज़ भाई तक मेरी जाए, कि मैं क्या कुछ अच्छा कर रहा हूँ देश में, क्या कुछ नेक काम कर रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी ला रहा हूँ। भाई मेरे को जहाँ तक लगता है भाई बहुत खुश होता होगा मेरे काम को देखकर। आज की वीडियो को बेशुमार प्यार देना। अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से और आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और आपने आज से पहले मेरे भाई की फ़ोटो नहीं देखी तो यहाँ पे मेरे भाई की फ़ोटो आ रही है, आप देख सकते हैं। वीडियो को बेशुमार प्यार देना। आपका भाई हमेशा सबको हंसाता है। अगर आपने मेरे नए बाकी चैनल नहीं देखे, तहलका प्रैंक, तहलका वीडियो, तहलका व्लॉग्स, तहलका फैमिली, उनको भी आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे। और वीडियो, आगे की वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। नमस्कार अंकल जी, ठीक हो जी? कैसे दिए नार अंकल जी? ये कैसे दिए? और ये कैसे दिए अंकल जी? और ये? आज अंकल 14 तारीख है ना, आज मेरे लिए खुशी का दिन है। आज मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है और उसकी खुशी में मैं सामान आपसे लेना चाहता हूँ। मैं कि कितने का कैसे लगाओगे? सही लगा दोगे सब कुछ? सही लगा दो। ये कितने के होंगे टोटल सारे? ये हो जाएंगे 2 किलो। हम्म, 2 किलो। 2 किलो कितने के बैठे? 2 किलो। हम्म, सारे। चलो एक तो 2 किलो ये पैक कर दो अंकल जी, ये लो, पहले ये पैक कर दो। आपकी उम्र कितनी है अंकल जी? मेरी तो 60 के करीब। अच्छा, काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ, काम चल रहा है। काम नहीं, 5 दिन हो गया आज इस माल को लाए, 6500 रुपये का लाया, अभी 200 का बिल आया, कभी 500 का बिल आया। 6000 का सामान लाए थे, अभी तो बिका ही नहीं? 5 दिन हो गए आज। ये तो अंकल बहुत बड़ी बात बताई आपने। क्या तो घर कैसे चलता अंकल आपका? अकेले हो आप? तो कितना कमा लेते अंकल महीने का आप? कुछ नहीं है कमाई, कुछ तो 1000-2000 कुछ तो कमाते होगे। भैया भैया, हाँ जी, क्या नाम है सर आपका?
यूट्यूब पे देखा है, देखता हूँ चैनल। अरे चलो धन्यवाद। क्या काम करते हैं आप? मैं टाइल पत्थर का काम करता हूँ। टाइल का काम करते हैं। अच्छा दिखाओ, ये मेरी तरफ से है, मेरे बड़े भाई का जन्मदिन आज। अच्छा, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए दुआ रखना आप, ठीक है ना? खुश रहे वो जहाँ भी रहे। और ये और पैक कर दो अंकल जी के लिए, ठीक है सर? ओके जी, ठीक है सर, खुश रहो सर। ये कितने का अंकल जी? ये लो पैक कर दो। अंकल मैं इतना ही बोलूँगा आपको, देखो देखो दुख सबके पास है, आप ऐसे उदास रहोगे, मैं जैसे आपको देख नहीं पा रहा। आपने बोला बेटा सामान नहीं बिक रहा मेरा, तो ऐसे कैसे मतलब? क्या करूँगा जी, मेरी किस्मत ही ऐसी, तो क्या करूँ? किस्मत क्या बताऊँ अंकल जी, मेहनत करने में तुमको कैसा? हाँ मेहनत में कसर नहीं छोड़ते आप सब। लेकिन ये देखो ना अंकल, कितने और लोग हमारे जैसे भाई हैं जो कितने परेशान हैं, और कैसा टाइम चल रहा है अंकल अभी का। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? क्या काम करते हैं आप? अच्छा रिक्शा चलाते हो। ये मेरी तरफ से एक तोहफा है, घर में बच्चों के साथ खाना, मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है वो, लेकिन इस दुनिया में नहीं है, दुआ करना उसके लिए, खुश रहे वो जहाँ भी रहे। घर में जाके खाने, बड़े भाई का नाम हिमांशु था, दुआ करना भाई के लिए। अंकल जी के पास आया, कह रहे बेटा 6,000 का सामान लाया था ना, अभी तक बिका ही नहीं, मेरे को भगवान ने देखो किस रूप में भेजा इनके पास। सही अब तो अंकल थोड़ा बहुत खुश हो, पहले थोड़ा सा हंस के दिखाओ, मेरे को अच्छा लगेगा। ये भगवान भेजता अंकल जी, अब ये आने को तो मैं यहाँ भी आ सकता था, इनके पास भी आ सकता था। ये सही है। क्या नाम अंकल जी आपका? क्या नाम है? मेरा नाम जहांगीर। ये लो जी, ये मेरी तरफ से तोहफा है। ओके जी, ठीक है, ओके सर। ये लो, ये मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है उनकी खुशी में। ओके, दोनों, हाँ दोनों भाई ले लेना। ऐसे ही सर मुस्कुराते रहो, खुश रहो, टेंशन कभी मत लो, हमेशा हंसना है सर आपने, ठीक है? ओके सर, ओके। ये कितने के अंकल जी? यही रहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। आप सबका प्यार है यार। आंटी जी ये सामान ले जाओ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, मेरे बड़े भाई का जन्मदिन आज। क्या नाम आंटी जी आपका? लो आंटी जी, खुश रहो आंटी जी। ये मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है सर उनकी खुशी में। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। लो, खुश रहो अंकल, ऐसे मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, कभी टेंशन मत वालो, टेंशन है सबके पास है, लेकिन खुश रहो। ये मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है उसकी खुशी, उनकी खुशी में। लो सर, ये मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है उनकी खुशी में। आंटी जी, आंटी जी ये सामान ले जाओ, ये मेरे भाई का जन्मदिन आज, मैं सबको गिफ्ट में दे रहा हूँ, धन्यवाद। अच्छा एक ही परिवार से हो? अच्छा ठीक है जी, छोटे भाई ये सामान ले जाओ, मेरे भाई का जन्मदिन आज, सबको गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। तो नौकरी करते हो कहाँ पे? सेक्टर 5 में। कितने पैसे कमा लेते हो? 500 रुपये डेली के। ऐसे ही खुश रहो, टेंशन मत लेना, हंस के दिखाओ। कब से अंकल आपके माइंड में ये वाली बात चल रही थी कि ये सामान नहीं बिका, सामान नहीं बिका? 5 दिन से टेंशन में थे? सोचे जा रहे थे बस। अच्छा कल, मतलब वेट मन में चल रहा था कि 15 अगस्त है, तब भी नहीं बिका, और रात को 4-5 दिन से नींद भी नहीं आई होगी आपको।
भाई छोटे भाई ये पैक कर दो तीन जगह पर, एक दो तीन। क्या काम करते हो? सरिये का काम। सरिये का काम, सरिये का काम। कितने पैसे कमाते हो? तिहारी कमाता हूं जी। कल 15 अगस्त है, कल पार्टी वार्टी करोगे या मेहनत वही काम पे जाओगे? अच्छा कल छुट्टी है तो टाइम अच्छे से स्पेंड करना, परिवार वालों से बात करना, अच्छे से समय देना परिवार को। कभी टेंशन मत लेना, हमेशा मुस्कुराते रहना, खुश रहना। टेंशन लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपनी बीमारी खुद चढ़ा लेंगे हम। कोशिश करना हंसते रहना हमेशा। क्यों छोटे भाई, हमेशा हंसना ऐसे ही। दो अंकल जी लो भैया। क्या नाम आपका? प्रॉमिस करके जाओ हमेशा हंसते रहोगे, पक्का। मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है आज, उसके लिए दुआ करना हमेशा वो खुश रहे। लो बेटा, ठीक है छोटे भाई। छोटे भाई हाँ दोस्त, ये ले जाओ। ओके भाई, हो गया अंकल सारा सामान, ये पैक कर दो। छोटे भाई ये लो, ये ले जाओ, ये गिफ्ट में है। ओके ये लो अंकल, मेरी तरफ से गिफ्ट है ये। अब ये बताओ कितने चेहरे पे खुशी आई आपके? बहुत ज़्यादा। आशीर्वाद दोगे मेरे प्यारे से बड़े भाई को? जहाँ भी रहे वो खुश रहे अंकल जी। और कभी जैसे सामान नहीं निकला ना, परेशान कभी मत होना आप। भगवान किसी ना किसी रूप में किसी को भेज देता है, तो परेशान हो गए थे ज़्यादा ये। अच्छा कई दिन से सामान नहीं बिक रहा था, आपकी भी रेडी है? अच्छा तो नोटिस कर रहे थे आप, कारण क्या था ना बिकने का अंकल जी का? कारण क्यों नहीं बिक रहा था? कारण का इनका थोड़ा सामान रहता है तो ग्राहक आता नहीं है। अच्छा कम सामान होने के चलते। अच्छा घर आ गया देखता है कि कहाँ पे जा रहा सामान है। अच्छा तो मतलब कह रहे थे, कह रहे 5-6 हज़ार का सामान लाया था मैं और आज 5-6 दिन हो गए सामान ही नहीं बिका। नहीं बिक रहा था। और ये भी वेट कर रहे थे कि 15 अगस्त है कल, खुशी का त्यौहार है तो तब निकल जाएगा, अब रात हो गई आज भी नहीं निकला। अब देख लो भगवान ने मेरे को अंकल जी भेज दिया इनके पास। बहुत बढ़िया करा, मैं कह भगवान ही सब, ये परमात्मा है। लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा है सर। देखो इतने सारे रेडी वाले खड़े, आप भी खड़े यहाँ पर, ये सब खड़े हैं। दिखे मेरे को कुछ हुआ अंकल जी? अच्छा चलो अंकल जी, ठीक है अंकल जी। आपका नाम क्या अंकल जी? हमारा जयसिंह। ये आपकी रेडी है? अच्छा तो ये केले अगर मैं आपसे लूँ, ये पूरा बंडल कितने का दे दोगे? ये यहाँ रेट में आया उसी रेट में दे दो। क्या रेट में दे दोगे? क्या रेट में दे दोगे? 50 का। ये कितने का दोगे पूरा? 50 रुपए का है? ये कितने का दोगे आप? अभी गिनती से आता है। देखो गिनो एक बार, यहाँ गिन लो, इधर आ जाओ रोशनी में आ जाओ। 21 केले हैं। 21 केले कितने के दे दोगे? आप 70 रुपए के। अच्छा 70 रुपए के। और ये केले कितने के हैं? ये वाले 40 रुपए। ये 140 रुपए हो गए। अच्छा बड़े भाई, यार ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है, ये सबको बांटते चले जाना यार। बहुत बहुत धन्यवाद यार। और ये कितने के हो गए बताते रहो? ये भी उतने के हैं। कितने पैसे हो गए? 140, 210 हो गए।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस सर थोड़ा सेवा सेवा में लगा हूँ सर, सबको बांट रहा हूँ। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो भी मतलब रिक्शे वाले भाई आ रहे हैं उन सबको दे रहा हूँ सर। आज बड़े भाई का जन्मदिन है ना सर? अच्छा, मेरे रियल ब्रदर का जन्मदिन है। अरे भैया, हाँ जी हाँ जी, शहर का प्रैंक, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। कोविड से ठीक हो गए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये ले जाओ। ये ले जाओ, ये गिफ्ट में है। बढ़िया बेटा, ये ले जाओ। खुश रहो अंकल जी। ओके जी, अच्छे से खाना पेट भर के, कल 15 अगस्त है। ठीक है अंकल, ये जो अभी आपने स्माइल दिया ना, ये स्माइल हमेशा रखना। लो अंकल जी, इनको भी दे दो। क्या काम करते हो? सेलदारी करते। क्या पैसे कमा लेते हो? क्या मिलता है? 400 रुपया रोज को देते हैं। कल 15 अगस्त है, खुशी है? हाँ। बस आज ये वाली खुशी मिल गई। भैया को भी दो। चलो भैया, चलो हमेशा खुश रहो भैया। बाय बाय। तो मतलब अंकल जी आपका 15 अगस्त बढ़िया चला गया? बहुत बढ़िया। कितनी खुशी हो रही है अंकल जी? बहुत खुशी हो रही है। सच बताओ दिल से? बिल्कुल दिल से खुशी हो रही है। अच्छा जी, कल आराम से नहाऊंगा धोऊंगा। अच्छा आंटी जी, आंटी जी लो। तो इससे पहले कभी अंकल इतना बढ़िया दिन गया आपका? नहीं। अंकल जी बड़े भाई, ये लो यार, जन्मदिन है, जन्मदिन बड़े भाई का जन्मदिन है। अंकल जी ये लो, बड़े भाई का जन्मदिन है, दुआ करना खुश रहे वो। ओके अंकल जी। तो कभी अंकल एक साथ इतना सारा सामान निकला कभी? नहीं। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर नहीं निकला? आपको कितनी खुशी हो रही है देखकर? खुशी हो रही है। लो सर, फिर ये जन्मदिन है मेरे बड़े भाई का, जन्मदिन है। ओके, ले छोटे भाई। ओके ठीक है अंकल जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कल 14 तारीख थी भाई का जन्मदिन, मैंने किस तरीके से मनाया आपको अच्छा लगा होगा। और आज 15 तारीख है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पतंगे बहुत सारी उड़ेंगी और आपको पता ही है हर साल केस देखने को मिलते हैं कि मान जैसे किसी का गला कट गया, किसी बच्चे का गला कट गया, किसी बड़े बंदे का गला कट गया, बाइक पे जा रहा था, मांझा लटका हुआ था और जैसे ही वो बाइक से निकला और गला कट गया। कितने केसेस आप हर साल सुनते हैं, कितने सारे मांझे रोडों पे लटके रहते हैं, कितने सारे मांझे गलियों में लटके रहते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी भाई
बाइक पे या स्कूटी पे जा रहा है, वो अपनी स्पीड 10-20 से 25 की रखे, इससे ज़्यादा की ना रखे। ऐसा नहीं कि ये वीडियो आज रात को आ रही है, 15 तारीख खत्म हो जाएगी। पतंगे रात को उड़ती हैं, उसके बाद मांझे जगह जगह जाके लटक जाते हैं। 16 तारीख को भी कुछ लोग उड़ाते हैं जिनकी पतंगे बच जाती है। 3 से 4 दिन का माहौल ऐसा रहता है कि मांझे चारों तरफ लटके रहते हैं। तो कोशिश करें बाइक को धीमे चलाएं। कितनी जाने जाती हैं आपको अच्छे से पता है, बाइक की स्पीड 90 होती है, ऊपर से मांझा होता है बंदे के गले के आर पार, तो मांझे भी आपको पता है बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, तो इससे बचें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, खुश रहें परिवार के साथ, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।